अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं हैदराबाद के एक अनोखे इश्यूज़ के साथ, जो कि मुल्क भर में दरपेश मसाइल और कोरोना वबा के सबब जो गरीब आवाम परेशानी के इस आलम में है कि आपको एक दुखी इंसान जो कि नवाब शाह के रिहायशी हैं वो आए हैदराबाद। और ये जो गेटअप देख रहे हैं आप, जोकर का गेटअप बनने की वजह क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, वो भी आपको सुनाएंगे। इस कोरोना वबा ने इंसानों को तो मारा है, जो जीते जी इंसान है उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा। जी हाँ, ये नवाब शाह का वो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, शादीशुदा नौजवान, जो बेरोज़गारी के सबब जोकर बन के रोडों पर भीख मांग रहा है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं गुलजंडर्प के उस इलाके में जहाँ सिग्नल लगा है और ये हर एक शख्स को जोकर बन के एंटरटेन करते हैं, उसके बस इनको पैसे मिलते हैं, ये अपने घर का दाल दलिया इस तरह चलाते हैं। चलते हैं बखर ताखिर के, HP लाइव TV हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हाजिर होता है, और चलते हैं इनकी दुख भरी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं हमारे देखने वाले को, ये जो गेटअप है सर, मैं बेसिकली नवाब शाह से ताल्लुक़ है मेरा, ठीक है। मेरी थी ये पिछले साल जब लॉकडाउन लगा ना, उससे पहले मेरी थी जॉब हॉस्पिटल में, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लेबर रूम पे, जहाँ मेरी अच्छी खासी दिहाड़ी भी बन जाती थी, खर्चा भी रोज़ का 1500-2000 और कुछ सैलरी थी, जगह अपनी, 6 बच्चे हैं, मतलब सुकून से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। बच्चे पढ़ रहे थे, खा पी रहे थे। वाली साहब हैं, वालदा का इंतकाल हो गया, वाली साहब उनको 2 अटैक हो चुके हैं, ठीक है। तो सोर्स पे ना कोई बंदा रख लिया गया मेरी जगह पे। अब मेरे ही शहर के कुछ इज़्ज़तदार लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कुरान में कि तुम किसी का एक जगह पर्दा रखो, मैं तुम्हारा 10 जगह रखूँगा। तो मेरे शहर के कुछ इज़्ज़तदार लोग हैं, उन्होंने सोर्स पे कोई बंदा रख लिया, मुझे बेरोज़गार कर दिया। उसी दौरान मेरे घर के किचन में ना गैस जमा होने की वजह से बहुत बुरा हुआ ब्लास्ट, जिसमें मेरा बच्चा जल गया। तकरीबन किचन और बाथरूम की ना दोनों छतें उड़ी गई थी, टोटल छतें ही उड़ गई थी। इतना बुरा ब्लास्ट हुआ था कि नवाब शाह वालों ने जवाब दे दिया था, कराची से इलाज करवाया, ठीक है। उस वक्त मैं बेरोज़गार था और कुछ नहीं था, मेरे पास जगह अपनी थी, जगह के कागजात गिरवी रख के कर्ज लिया के चलो कमा के उतारते रहेंगे कर्ज। कुछ इलाज करवाया बच्चे का, कुछ अर्जेंट जगह बनवाई, जैसे इलाज करवाया बच्चे का उसके फौरन बाद 7-8 महीने का लॉकडाउन लग गया, वो कर्ज़ उतरने की बजाय और चढ़ गया। वो कर्ज़ चढ़ गया तो अब जो है ना तकरीबन अपने पाकिस्तान के 152 जो हैं सियासतदान, 152 जिनसे मैंने राबता किया उस दौरान, किसी ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है। बाकी कराची, हैदराबाद, सादकाबाद, रहीम यार खां, लाहौर, ये जितने शहर हैं, फैसलाबाद, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, प्रेस क्लब, मीडिया, शिडिया, MPA, शैम्पीए, मैं बस बता नहीं सकता कि मेरी अकाउंटिंग में नहीं आ रहा इतने लोगों के पास मैं गया हूँ अपना मसला लेके। लेकिन उनमें से बाज़ लोग तो ऐसे भी मुझे मिले हैं कि जाके जिनसे मैंने कहा है कि अस्सलामुअलैकुम, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा है कि माफ़ करो, यह इस्लामी कंट्री, ठीक है। हालाँकि अल्लाह ने हैसियत भी दी है उन लोगों को। मकसद कहने का कि कोई हल नहीं निकला, पूरा साल होने को आ गया है, मेरी जगह के कागजात गिरवी हैं, कर्ज़ का टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है, ठीक है। उसके बावजूद मेरी माँ ने मुझे ऐसा दूध नहीं पिलाया, या मेरे बाप का मेरे अंदर वो खून नहीं है। मुझे मौका भी मिला, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मुझे मौका भी मिला बाज़ दफ़ा कि चीज़ मेरे सामने पड़ी है, कैश की सूरत में पड़ी है, लेकिन चोरी करने को नहीं दिल चाहता, फ्रॉड करने को नहीं दिल चाहता, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपने खजाने से दे। अब जो टाइम बिल्कुल शॉर्टली रह गया है मेरे कर्ज़ का, ऊपर से अब रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान मुबारक का महीना है और ईद है, ईद बच्चों, अमीर के बच्चे हों या गरीब के बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं, ईद तो बच्चों की एक जैसी है, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं सूझा, क्योंकि कोई शख्स मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। एंड क्या हुआ है कि ये जोकर बन के खड़ा हो गया हूँ कि भाई ना मैं चोरी कर सकता हूँ, ना फ्रॉड कर सकता हूँ, ना डकैती कर सकता हूँ, ना झूठ बोल सकता हूँ, जो हूँ सरेआम आप लोगों के सामने आ गया हूँ, ठीक है। अब ये भाई आए हैं मेरे पास चैनल वालों की तरफ से, और जो भी नाज़रीन इसको देख रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर कोई बतौर उधार भी, मुझ पर टोटल अमाउंट जो कर्ज़ है इस वक्त है तकरीबन कुछ 3.5 लाख रुपये,
अगर ऐसे भी लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, ऐसे भी लोग हैं कि जिनका एक दिन का खर्चा जो है ना 5-5 लाख रुपए खर्चा है, ठीक है, 3.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई वैसे नहीं कर सकता तो 1.5 साल के टाइम पे बतौर उधार मुझे 3.5 लाख रुपए की हेल्प कर दें मेरी, मैं दोबारा प्लेटफॉर्म पे आ जाऊंगा, मैं दोबारा से ज़िंदगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना होशियार चलाक होने के बावजूद मैं ख्वार हो गया हूँ, रुल गया हूँ। मुझे आज समझ में आता है कि जो हम टीवी न्यूज़ चैनलों पे देखते थे कि वो फलाने अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया, माँ ने अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया, बाप ने बच्चों को भी मार दिया, माँ को भी मार दिया, तो वो आज मेरी समझ में आता है। पहले मैं सोचता था कि यार वो कैसे अपनी औलाद को कत्ल कर देते हैं, लेकिन मुझे आज समझ में आया है कि वो वाकई कितना मजबूर हो के, जब मेरे जैसा होशियार चलाक बंदा कुछ नहीं कर पाया तो बेचारे अनपढ़ जाहिल लोग वो मुसीबत, इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। तो वो हक पे ही फिर जो है ना अपने बच्चों को जहर देते हैं, मारते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि भाई बेशक अगर वैसे नहीं तो बतौर उधार ही, टाइम मेरे पास बिल्कुल क्लोज है, मुझे इसी मंथ में जो है ना, ये जो मंथ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, इस मंथ में मुझे ना क्लियर करनी है पेमेंट, मेरी जगह के कागजात गिरवी पड़े हैं, अब आगे जैसे आपकी मर्जी। दुआओं में याद रखिए। व्यूअर्स, ये नौजवान नवाज शाह का 6 बच्चों का बाप है, इतना मजबूर कभी ना देखा मैंने इंसान को। जितने भी मौखर हजरात हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं और जितने भी हमारे देखने वाले मुल्क में, मुल्क से बाहर, अब वो प्लीज़ खुदारा ये जो नीचे दिए गए नंबर हैं इस पर रब्ता करें। कई खुदकुशियां मैं देख चुका हूं और इस खुदकुशी पे जहन बनाने वाला ये शख्स, 6 बच्चों का बाप, इतना मजबूर होने के बाद आखिरी स्टेप खुदकुशी है, तो एक इंसानियत का कत्ल या इंसानियत की ज़िंदगी वो तमाम इंसानियत का कत्ल के बराबर है। जो मुखैर हजरात हैं मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, वो खुदारा इसको, इस बात को सीरियस लें और इस नौजवान को जो कि कॉल सेंटर के सिग्नल पे खड़ा होकर जोकर बनकर अपने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, बच्चों की रोटी कमाने के लिए सारा दिन खड़ा होता है और जलील ख्वार कर होके अपने घर जाता है, तो खुदारा इस इंसान की मदद करें। और HP लाइव TV हमेशा ऐसे ही इश्यूज़ को उजागर करता है और आपके सामने लाता है, और मुझे उम्मीद है, मुझे होप है कि भाईजान इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब, क्योंकि कोरोना ने हमारी पूरी दुनिया को मुतासर किया है और आप भी जिएंगे और जी के दिखाएंगे, ये मेरी होप है, ये मेरी उम्मीद है। फिर इंशाल्लाह अगली किसी नई पर्सनालिटी के साथ हाजिर होंगे। मैं था आपका अपना सलीम भाई HP लाइव TV के साथ, कैमरामैन सुफियान चेक के साथ, अल्लाह हाफिज़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।